लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे, प्रोबेबिलिटी थियरी के बारे में बताएंगे। ये थर्ड यूनिट का फोर्थ यूनिट का स्टार्टिंग का कंटेंट है। चूंकि ये ट्वेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए मुझे जहाँ तक अनुमान है कि आप सभी को पता होगा कि प्रोबेबिलिटी थियरी क्या होता है। और हम प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी बोथ आर डिफरेंट, बट एज यूजुअल इलिटरेट पर्सन एंड इलिटरेट पर्सन आर यूज टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी जस्ट एज ए पॉसिबिलिटी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द प्रोबेबिलिटी थियरी, प्रोबेबिलिटी बिफोर डिफाइन द प्रोबेबिलिटी, आई वुड लाइक टू tell you some important point which occurs time to time. First one is sample space. Sample space means the set of all possible outcome of an events. Outcome of an experiment is called sample space. मतलब ये हुआ कि possible outcome, example अगर देखा जाए तो बेटा अगर आप एक coin toss करते हैं तो coin toss करने के दौरान या तो आप head पाते हैं या तो आप tail पाते हैं। उस केस में एक क्वाइन को टास करने के दौरान आपको दो पॉसिबिलिटी नजर आती है, दो पॉसिबिलिटी, हेड, आइदर हेड आर टेल। सो कलेक्शन ऑफ दीज टू पॉसिबिलिटी इज नोन एज सैंपल स्पेस। इट मीन्स इफ ए क्वाइन इज टास्ड रैंडमली show the sample space, there exists a sample space which can be written in inverted in curly bracket h comma t in the set form, and the elements of the sample space is known as sample point, means head is said to be one sample point, tail is said to be the another sample point. So similarly, if you throw a dice, so on the dice there exist a number written from one to six, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जब आप डाइस थ्रो करेंगे तो वहां सिक्स पॉसिबिलिटी होगी, सिक्स पॉसिबल आउटकम होगा। या तो डाइस को फेंके जाने पे वन आएगा, या तो टू आएगा, या तो थ्री आएगा, या तो फोर आएगा, या तो फाइव आएगा, या तो सिक्स आएगा। वहां जो पॉसिबिलिटी होगी, जो आउटकम होगा, पॉसिबल आउटकम होगा, वो सिक्स होगा, वन से लेकर के सिक्स। Means there the collection of all possible outcome is said to be the sample point, and the elements of that sample point is said to be the sample space is said to be the sample point. So now you can explain the sample point for any event which occurs randomly. I'm going to take one another examples. Whenever you आपने सभी प्लेइंग कार्ड देखा होगा, प्लेइंग कार्ड के केस में प्लेइंग कार्ड में चूंकि 52 पत्ते होते हैं, तो वहां जो पॉसिबल आउटकम होगा वो 52 होगा। मीन्स जो सैंपल स्पेस होगा वो 52 सैंपल पॉइंट, कलेक्शन ऑफ 52 सैंपल पॉइंट्स होंगे।
मुझे लग रहा है ज्यादा बेहतर क्वाइन और डाइस का एग्जांपल आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो आप उससे आप हैबिचुअल हैं, वो आपको चीजें समझ में आएंगी। आगे हम आपको एक इम्पोर्टेंट कंटेंट बताएंगे, इवेंट। इवेंट इवेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इवेंट? ए सबसेट ऑफ ए सैंपल इज कॉल्ड इवेंट। मीन्स जो भी सैंपल स्पेस है, जो भी सैंपल स्पेस आप डिफाइन कर रहे हैं, उनके सबसेट को आप सभी जानते हैं। एक क्वाइन टास्क किया जाता है तो वहां जो सैंपल स्पेस बनेगा हेड और टेल का बनेगा, तो उनका जो सबसेट होगा मीन्स हेड अलग टेल अलग, क्लियर। और सेट खुद का अपना सबसेट होता है, और एक सबसेट प्रत्येक सेट का एक सबसेट फाइव ही इम्पर्टी सेट भी प्रत्येक सबसेट का सेट का सबसेट माना जाता है। इसका मतलब हेड और टेल इंडिविजुअली इवेंट की तरह ट्रीट की जाएंगे, इवेंट होगा। सो नाउ फ्रॉम हियर ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एंड इवेंट एंड इम्पटी सबसेट फाई ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, जो भी क्योंकि प्रत्येक सेट का एक इम्पटी सेट होगा, इम्पटी सेट इज ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट एंड द सैंपल स्पेस इटसेल्फ इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। नाउ आई थिंक इवेंट भी आपको समझ में आया होगा। अगला एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है कंपोजिट इवेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट इवेंट? कंपोजिट एंड कंपाउंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट। कंपोजिट मीन्स एडिशन, मीन्स व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द यूनियन ऑफ टू इवेंट, इफ देयर एग्जिस्ट टू इवेंट ए एंड बी, सो नाउ द यूनियन ऑफ टू इवेंट which is denoted by A union B is called R. Union can be explained by A plus B, means union is treated as a addition. Now composite event is treated as a addition. Sum of the two event is called composite event. So now it's called composite event. And the union of two event is expressed by R, means जब कभी भी events के बारे में example के लिए हम इस केस में example लें, तो R के केस में हम समझा union के केस में हम बता सकते हैं आपको कि एक event है pass और fail होने का, students है एक class के आपका, तो या तो वो pass होगा, either he will pass or he will fail. So if A B event of passing the examination and B be the event of fail the examination, so either this or this, भाई पॉसिबिलिटी एक ही होगी, या तो स्टूडेंट एग्जाम देगा तो पास होगा या तो फेल। सो वहां यहां R का यूज किया जाएगा, R का। इस केस में हम यूनियन मीन्स कंपोजिट इवेंट का यूज करते हैं, यहाँ यूनियन यूज किया जाता है। अगेन द नेक्स्ट कंटेंट बी कंपाउंड इवेंट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी, मीन्स अगर दो इवेंट्स ए और बी हैं और उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया जाए, ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी एंड इज एक्सप्रेस्ड बाई एंड, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाई आर एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड बाई एंड। राम एंड श्याम, बॉयज एंड गर्ल्स, यहां इंटरसेक्शन का यूज किया। जब भी इस तरह की वर्डिंग बड़ा प्रोबेबिलिटी में वर्डिंग अगर आपको समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी थियरी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एंड और आर का केस, आर मीन्स यूनियन एंड मीन्स इंटरसेक्शन। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। व्हाट इज द मीनिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। एक्सक्लूसिव मतलब इनकम्पेटिबल इवेंट्स, मीन्स अगर कोई इवेंट ऐसा हो
जिनका इंटरसेक्शन, जिनकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन डिसज्वाइंट हो, जब भी कभी डिसज्वाइंट सेट होते हैं तो वो उनका मीन्स कोई भी आउटकम कॉमन ना हो, मीन्स इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर इनकम्पेटिबल इफ दे हैव नो आउटकम इन कॉमन, दैट इज दे आर कॉल्ड डिसज्वाइंट इवेंट. सो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ इवेंट इज सेट टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो. जैसे दो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, दोनों के पास और फेल होने में कोई भी चीज कॉमन नहीं है. एक पास हो सकता है, या दूसरा केस ऐसे समझे, दो घोड़े हैं जो किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हॉर्स ए एंड हॉर्स बी. दोनों के जीतने, भाई जीतने की प्रक्रिया किसी एक के साथ ही होगी, एक जीतेगा दूसरा हारेगा. इसका मतलब कहीं ना कहीं इस दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है. उस केस में अभी एग्जांपल के थ्रू आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सक्लूसिव म्यूचुअली इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डिफाइन एग्जॉस्टिव इवेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट? सो नाउ टू इवेंट आर सेट टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम नेसेसरली ऑकर्स, आर इन अदर वे टू इवेंट आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस. तब कोई भी इवेंट में कोई चीज कॉमन होगी तो उनका यूनियन, जैसे एक एग्जाम ए सेट ए है जिसमें वन और टू है, सेट बी में टू और फोर है, जब दोनों का यूनियन लेंगे तो किसी न किसी सैंपल या स्पेस के, सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा. जो अगर हम आपने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन यूनियन के केस में, एक सेट ऐसा होता है जो जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, मीन्स हमेशा ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है, अगर टू इवेंट्स एग्जॉस्टिव होंगे इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, come to the next page. After defining all the term, I am going to discuss what is the meaning of probability. Probability of events means the number of outcome in E upon the total number of outcome of an experiment. For example, probability ke case mein dekha jaye, bahut sare examples aapke nazar mein honge ki jab aap coin toss karte hain to वहाँ जो सैंपल स्पेस होता है वो हेड और टेल पे डिपेंडेंट, हेड और टेल को मिला के बनाया जाता है. मीन्स देयर आर टू सैंपल पॉइंट इन ए सैंपल स्पेस. सो इफ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, सो देयर इज वन इवेंट इन विच यू विल गेट हेड. देयर एग्जिस्ट वन इवेंट, वन आउटकम वेयर द हेड विल बी occurs by you कह सकते हैं आप कि by randomly, if you toss randomly a coin, so there is only one case in which you will get outcome as a head. So now the number of outcome in E upon the total number of outcome. नंबर ऑफ आउटकम ई का ई इवेंट मीन्स इफ दिस बी हैड, सो नंबर ऑफ आउटकम इन हैड मीन्स दिस बी वन एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम बी टू. सो नाउ इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इफ ए क्वाइन इज टास्ट रैंडमली, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू वन अपॉन टू. इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल के केस में केवल एक पॉसिबिलिटी होगी जिस केस में टेल भी आएगा. सो नाउ वन अपॉन अगेन टू,
Now, probability of getting head as well as probability of getting tail, both is equal to the 1 upon 2 in case of the coin is tossed randomly. One coin is tossed randomly, not two. जब दो क्वाइन टास होंगे तो ये सीनरियो चेंज हो जाएगा. सो आफ्टर दैट फ्रॉम हियर वन इम्पोर्टेंट नोट इज हियर, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज वन देन वी से दैट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट. किसी भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी वन होती है तो वहां ये कहा जा सकता है कि ये घटना, ये इवेंट जरूर होगा. किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर जीरो होती है तो हम ये कहते हैं कि दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट. इस केस में इवेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है. इस तरह से हम अभी तक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी देखे. अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हम एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ और बेस थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन या बेस्ट, ये तीनों होते क्या हैं, हम इन तीनों को डिफाइन कैसे करते हैं ये बताया जाएगा. मुझे जहां तक विश्वास है आपको ये सारे डेफिनेशन समझ में आए होंगे. आगे हम पढ़ाएंगे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके.